साधु जी, अरे ओ साधु जी, अब एक बागेश्वर धाम की खुशखबरी ये है कि हम महाराष्ट्र वाले ही होने वाले हैं। हाँ, हम मतलब जो है भिवंडी में बागेश्वर बालाजी का मंदिर बन रहा है। हम हर दो तीन महीने में तुम्हें परेशान करने आती रहेंगे। हमारे प्रिय श्री रुद्र त्रिपाठी जी के द्वारा और इनकी पूरी मंडली और ये जो अभी यहाँ आयोजन कर रहे अभिजीत के पिताजी, इनका पूरी मंडली मिलकर के बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार बनवा रही है। हम तुम लोगों को परेशान करते रहेंगे, इसीलिए तो कहते हैं कि तुम निराश मत होना कि गुरु जी मिले नहीं। हम तुम्हें वचन देते हैं एक दिन जरूर मिलेंगे, पक्का। लो आज्ञा लग गई है, चार पांच अर्जियां स्वीकार हो गई हैं, जिनको हम बुला रहे हैं उनको आना। सीताराम, पहला आदेश, प्रीति नाम की माताजी का अर्जी स्वीकार हुआ है। ये प्रीति नाम की माताजी, हाँ बहन जी, हाँ हाँ हाँ, आ जाइए, टोपी लिए हुए होंगी, नाम प्रीति होगा, आ जाइएगा। हाँ आइए बहन जी, इधर आइए, बस बस बस, आप यहाँ बैठिए। आपकी टोपी, टोपी थी आपके पास? हाँ तो ठीक है, बस बस हो गया, हो गया पहचान भर के, ताकि कोई और ना हो। आपने यहाँ नाम बताया था क्या किसी को? माइक से बोल रहे हैं, ऐसे मत बोल, किसी को नहीं बताया। किसी ने पूछा था क्या? नहीं, कहाँ रहती हैं आप? कल्याण में ही रहते हैं। झूठ तो नहीं बोल रही हूँ? किसी सेवादार को? नहीं, किसी को नहीं बताया। रोते नहीं बहन, किसी ने आपसे अर्जी तो नहीं पूछी? हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया, आप प्रश्न करिए, क्या विषय? गुरुजी, मेरे पति का मर्डर हुआ था 2015 में भिंड गांव में। हम, मेरे दो बच्चे हैं, ये 2.5 साल का था, 3, 3.5। आज मैं अपनी मम्मी और भाभियों के साथ रहती हूँ, मेरी बड़ी भाभी भी आई है यहाँ पे। यहीं पर आई? हाँ, यहाँ पे आई। तो आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ मेरा परिवार अच्छे से रहे। मेरे दो भाई हैं और ये दोनों मेरे बच्चे, वो दोनों ही पाल रहे हैं। ठीक है, बड़े भाई। अच्छा, उसका तो रहस्य खुल चुका है, लेकिन नाम क्या है उनका, पति का? पति का विजय भदौरिया। नजदीक आई, यहाँ सब कोई विषय किसी ने पूछा? नहीं। पढ़िए, घर सुरक्षित रहे, उत्पात ना हो, दुश्मनों के कारण कलेश मचा है, वह परेशान है। आपका नाम प्रीति है, पति का मर्डर का रहस्य जानने आई हुई हैं विजय के बारे में। विजय का मर्डर का रहस्य खुल चुका है, वह उनको जो है दंड मिल चुका है, बच्चों पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आशीर्वाद। बच्चों की आप चिंता ना करें, एक मिनट हम लिख लें। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, परिवार का भी उसमें हाथ था एक का, और बाकी वो शत्रु थे, उनको दंड मिल चुका है, वहां लौटकर नहीं जाना है, और आपने भी यही नियम कर लिया है, निर्णय यही लिया। माइक ले लो आप, आपने भी यही निर्णय लिया। माँ के पैर व शरीर में दर्द बना हुआ है, माँ आपकी बीमार है, घुटनों में दिक्कत है, बच्चा चिड़चिड़ापन करता है, वह बीच बीच में पढ़ाई की तरफ गंभीर नहीं रहता है, उसकी भी अर्जी है, उस पर भी कृपा होगी। और यहाँ शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, अब आपको भयभीत नहीं होना है, बहुत गंभीरता से जरूर रहना है, और आज से बालाजी पूर्ण कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। मैं अभी बालाजी गई थी, अभी एक ही महीना हुआ है। ये हमने मंत्र लिखा। हाँ। ये विषय किसी को बताया? नहीं। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। कोई मन में आपके संदेह? नहीं, कोई संदेह नहीं। सीताराम, मेरे बच्चों पर पूर्ण कृपा हो, खुश रहो, पढ़ो बढ़ो। लो बहन, इसमें हमने एक मंत्र लिखा बहन, उसकी 3 माला करनी, आपको धाम आना है, हम वहाँ कवच दे देंगे, और भगवान करे आपका पूरा परिवार ठीक रहे। बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की जय। अरे रोते नहीं प्यारो, प्यारो मोरो प्यारो बेटा, उठ बैठ, खुश रहो, बस बस बस, आ इधर। कौन त्रिपाठी? रुद्रा त्रिपाठी, हाँ हाँ वो है ना, उनके पास ही रहते हैं क्या? अच्छा अच्छा, वे हैं, वे आते हैं, इनकी मदद करते रहना, जाओ खुश रहो बहन, बहन बहन खुश रहो, चलो अगला नंबर।